फायरबेस बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करा है 2020 में। बहुत सारे नए डेवलपर्स, इवन मैं भी बहुत बार अपने प्रोजेक्ट में फायरबेस को यूज़ करता हूँ। फायरबेस के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत सारी वीडियोज़ जिसमें फायरबेस के बारे में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फायरबेस के बारे में आपको नहीं पता और जिसकी वजह से आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं कि आपने फायरबेस को क्यों चुना। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मुकेश जोशी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। बहुत टाइम से वीडियो शूट नहीं करता, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा 10 थिंग्स अबाउट फायरबेस विच यू शुड नो बिफोर चूजिंग इट फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। फायरबेस क्लाइंट साइड पर वर्क करता है, यानी कि जितने भी आप कोड लिखते हो वो सारा का सारा क्लाइंट के एंड पे जाने वाला है, यानी कि जो मोबाइल ऐप आपकी है सारा का सारा कोड उस ऐप के अंदर है, सारी की सारी लॉजिक्स उस ऐप के अंदर है, वो इंस्टॉल होती है एंड यूज़र के मोबाइल में। उसके बाद अगर कोई बग निकलता है, कोई इशू होता है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप क्लाउड फंक्शंस की हेल्प नहीं ले रहे हैं अपने लॉजिक्स के लिए, आपको यूज़ करनी पड़ जाएगी एक नया अपडेट रिलीज़ करना पड़ जाएगा, पुश करना पड़ जाएगा प्ले स्टोर पर या फिर कहीं पर भी जहाँ पर अपने ऐप को अवेलेबल कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हर अपडेट के लिए, हर बग के लिए आपको नया अपडेट रिलीज़ करना पड़ता है। ये बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है बहुत सारे बिजनेस मॉडल में, बहुत सारी ऐप्स में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तो आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि क्या फायरबेस या फिर क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट जो बैकएंड है वो आपके लिए एक ऑप्शन है या नहीं है। तो अगर सर्वर साइट अगर आपको देखना है तो आप उस तरीके से दूसरे अल्टरनेट देख सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट साइड जाना है तो उसके लिए फायरबेस आप देख सकते हैं। फायरबेस इज़ फ्री इनिशियली। फायरबेस का जो इनिशियल प्लान है वो फ्री है, जिसमें आपको 50,000 रीड एंड 20,000 राइट की एक्सेस मिलती है फायर स्टोर पे, और हर स्टोरेज की अलग लिमिट है एंड होस्टिंग की अलग लिमिट है, फंक्शंस की अलग लिमिट है। तो बेसिकली आपको जो फ्री प्लान मिलता है वो डेवलपमेंट करने के लिए बहुत मोर देन इनफ है। लेकिन ऑलवेज जब भी आपकी ऐप प्रोडक्शन पर जाती है, हमेशा मेक श्योर आपकी ऐप स्टार्टिंग से ही ब्लेज प्लान में, क्योंकि ब्लेज प्लान के जो आपका फ्री प्लान के जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको ब्लेज प्लान पे भी मिलते हैं। जब भी आप अपनी ऐप को लॉन्च करें, प्रोडक्शन पे लाइव करें, हमेशा ब्लेज प्लान पे अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करें एंड उस पर लगाएं बजट लिमिट। बजट लिमिट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ऐप रातों रात का बैंक अकाउंट खाली कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी ऐप बनाई है, मैं ब्लेज प्लान पे से अपग्रेड करता हूं और मैं उसमें एक लिमिट लगाता हूं कि इतना बजट जैसे ही कंज्यूम करेगा मुझे ईमेल से अलर्ट मिल जाए ताकि मैं एक एक्शन ले सकूँ उस चीज़ के ऊपर। तो हमेशा अपने प्रोजेक्ट जैसे प्रोडक्शन पर जाता है उसे फ्री प्लान से ब्लेज प्लान पर कन्वर्ट करें एंड ब्लेज प्लान पर आप लगाएं बजट लिमिट। रिसेंटली फायरबेस ने डेप्रिशिएट कर दिया है नोड जेएस एट के वर्जन्स को, यानी कि अगर आप क्लाउड फंक्शन लिख रहे हैं तो अब नोड जेएस 8 वर्जन के क्लाउड फंक्शंस पे नहीं चलेंगे, आपको नोड जेएस 10 के इन्वायरमेंट में लिखना पड़ेगा। इसका नुकसान क्या है और इसी को मेंशन करना क्या मतलब है, जो नोड जेएस 8 के क्लाउड फंक्शंस थे वो फ्री प्लान में लिख सकते थे, लेकिन अब अगर आप फ्री प्लान पे फायरबेस को यूज़ करने का प्लान कर रहे हो और अगर आप क्लाउड फंक्शन को भी यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो तो अब मे बी फ्यूचर में ना कर पाओ, क्योंकि जो नोड जेएस 10 है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेज प्लान के अंदर काम करता है। यानी कि अगर आप क्लाउड फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो नोड जेएस 10 के साथ, तो आपको फायरबेस ब्लेज प्लान पे अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर आपको अपने क्लाउड फंक्शंस के अल्टरनेट को ही ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि जो फायरबेस है वो जो अपना कोटा है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जांपल 50,000 रीड एंड 20,000 राइट, या फिर जो अलग अलग कोटा हैं, चाहे पुश नोटिफिकेशंस के हैं या फिर चाहे स्टोरेज के हैं या फिर चाहे होस्टिंग के, वो शेयर करता है या फिर वो अकाउंट लेवल पे होता है। यानी कि चाहे कितने भी प्रोजेक्ट हो आपके सारे अकाउंट, पूरे अकाउंट पे सब प्रोजेक्ट कंबाइन इतनी रीड या इतनी राइट की है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपकी कोटा होती है, जो आपकी लिमिट होती है, वो हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग अलग होती है। यानी कि अगर आपके पास 3 फायरबेस प्रोजेक्ट हैं तो तीनों फायरबेस प्रोजेक्ट की अपनी अलग अलग लिमिट है, तीनों की अपनी अपनी 50,000 की रीड लिमिट है, तीनों की अपनी 20,000 राइट लिमिट है। यानी कि हर प्रोजेक्ट अपना इंडिविजुअल कोटा कैरी करता है, ऐसा नहीं कि आपस में कोई कोटा जो कोटा है वो कंबाइन है या फिर शेयर्ड है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या ये जो हमारे पास जो लिमिट है या जो कोटा है वो कंबाइन होती है या शेयर होती है या फिर सबकी अपनी अलग अलग है। तो आपके हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग अलग कोटा चलती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फायरबेस अपने अकाउंट में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं बाद में इसको फ्यूचर में ब्लेज प्लान में अपग्रेड कर लूँगा। अब होता क्या है कि वो 10 उन्होंने 8 फायरबेस प्रोजेक्ट बना लिए जिनको वो ब्लेज प्लान में करना चाहते हैं, या फिर सपोज 10 ही यूज़ कर लिए, क्योंकि अब एक अकाउंट में 10 ही फायरबेस प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो एक चीज़ सोचने वाली और एक चीज़ बताने लायक है कि आप अपने किसी भी फायरबेस प्रोजेक्ट अकाउंट पे मैक्सिमम 5 फायरबेस प्रोजेक्ट को ब्लेज प्लान में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि आप सिर्फ 5 ही फायरबेस प्रोजेक्ट को एक अकाउंट से
आप उसे पेड वर्जन बना सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्शन के लिए अलग फायरबेस प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं, स्टेजिंग के लिए अलग यूज़ करते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे फायरबेस प्रोजेक्ट स्टैक हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसी को ध्यान में रखें कि जो आपका फायरबेस कितने अकाउंट आपको लाइव करने हैं, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। उस तरीके से आप प्लान करें कि आप डिफरेंट अकाउंट यूज़ करें स्टेजिंग और प्रोडक्शन के लिए, या फिर आप उस तरीके से देखें अगर आपके सिर्फ 3 या 4 या 5 से कम हो रहे हैं तो आप एक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई डेवलपर फायरबेस का कंसोल खोलता है तो उसको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी सर्विसेज ऑफर्ड मिलती है फायरबेस की तरफ से, फिर चाहे वो डायनेमिक लिंक्स है, फिर चाहे वो मशीन लर्निंग है, फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, चाहे वो ऐप मैसेजिंग है जो फायरबेस ऑफर करता है, जो फायरबेस ने लिस्ट करके अपने डैशबोर्ड में। लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स या तो बीटा वर्जन में या फिर अल्फा वर्जन में, या फिर वो उतने मेच्योर नहीं है। तो जब भी अगर आप सीख रहे हो, अगर आप हॉबी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ऑफकोर्स आप इन सब चीज़ों को ट्राई करो। आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को, नई चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी नई चीज़ें आप ट्राई आउट कर पाओगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन बना रहे हो, प्लीज़ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करो जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ मत करो जो आप सोच रहे हो, जो आपको फैंसी लग रही, जो आपके प्रोजेक्ट को इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि ये सारी चीज़ अपने साथ लाती हैं इश्यूज, बग्स, क्योंकि ये भी बिल्कुल प्रोडक्शन रेडी है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो जब ये प्रोडक्शन रेडी हो जाए तब आप अपने अपडेट पुश करके इनको ऐड कर लेना। लेकिन अभी सिर्फ वही फीचर्स यूज़ करो जो प्रोडक्शन रेडी है या फिर जिनकी आपको बिल्कुल रियली ज़रूरत है। इनके बहुत सारे थर्ड पार्टी अल्टरनेट्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फायरबेस यूज़ करो तो आपको फायरबेस की चीज़ें यूज़ करनी है, आप थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हो। सब जानते हैं कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वेबसाइट हो, बड़ी टीम उस पे काम करती है। शायद आज आप अकेले हो लेकिन आगे जाके आप पे टीम हो सकती है, या फिर आप शायद आप आज से ही आप पे 3 या 4 लोगों की टीम है। एक बैकएंड के लिए आपको परमिशन मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यूज़र को परमिशन देना कि किसको कितनी एक्सेस देनी है, किसको कितनी एक्सेस देनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लकीली फायरबेस के पास अपना खुद का यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ से आप परमिशन दे सकते हो यूज़र को। अगर फॉर एग्जांपल किसी यूज़र को खाली नोटिफिकेशन भेजने की परमिशन देनी है, क्लाउड नोटिफिकेशन, तो आप वो दे सकते हैं। किसी यूज़र को खाली डेटाबेस एक्सेस करने की परमिशन देनी है तो आप वो दे सकते हो। किसी यूज़र को एडमिन एक्सेस देनी है, फिर किसी यूज़र को खाली व्यूअर या फिर एडिटर एक्सेस देनी है तो वो आप दे सकते हो। तो मतलब बहुत ही अच्छा कंट्रोल है यूज़र परमिशन का। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सबको एडमिन ना बनाओ, पर्टिकुलर यूज़र को सिर्फ उतनी ही एक्सेस दो जितनी एक्सेस उसको चाहिए, जितने से उसका काम हो जाए, ताकि आप आगे जाके आपको कोई ऐसा इशू ना हो, या फिर आपका ऐसे कोई कंपनी या कोई भी ऐसा कोई फ्रॉड ना हो। तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी पूरी टीम को मैनेज करें स्टार्टिंग से, परमिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत सारे लोग जब वेबसाइट या फ्रैप बनाते हैं तो वो स्टार्टिंग में एनालिटिक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप फायरबेस की कोई प्रोजेक्ट या फिर ऐप बनाएं उसमें अपना फायरबेस का एनालिटिक्स या फिर क्रैशलिटिक्स यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके प्रोजेक्ट को और आपके प्रोजेक्ट में आने वाले इश्यूज़ को समझने में, ताकि आप अच्छा एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके अपने यूज़र्स को वाई अपडेट एंड चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ के फिक्स कर सके। नए डेवलपर को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है डेटा मॉडलिंग में। बहुत सारे डेवलपर्स को ये नहीं पता कि डेटा मॉडलिंग क्या होती है और किस तरीके से अपने फायरबेस के पूरे जो डेटाबेस को उसको किस तरीके से मॉडल करना है, अपने डेटा को किस तरीके से उसमें अरेंज करना है, किस तरीके से स्टोर करना है। ये चीज़ें इनिशियली आपको पता नहीं चलेंगी, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाती है, जब यूज़र उसको यूज़ करना शुरू करता है उस ऐप को, हज़ारों यूज़र या फिर लाखों यूज़र जब उस प्रोजेक्ट को यूज़ करना शुरू करते हैं, उस ऐप को यूज़ करना शुरू करते हैं, तब आपके बिल में आपको पता चलता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। बहुत बार हो सकता है कि आपको आपके डेटा मॉडलिंग की वजह से, जो आपने अभी यूज़ करा हुआ है, जो आप डेटा मॉडलिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको कोड लेवल पे इशू आए, कोई बग या आए, या फिर सबसे कॉमन है कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आए। तो प्लीज़ मेक श्योर आप डेटा मॉडलिंग जितनी अच्छी हो सके, जितनी एफिशिएंट हो सके उतनी एफिशिएंट करें, जितनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन और जितने अच्छे से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने डेटाबेस में डेटा को, उतने अच्छे से आप करें। डेटा मॉडलिंग के ऊपर मेरी एक वीडियो आने वाली बहुत जल्दी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट मोर वीडियो जस्ट लाइक दिस वन। सबसे मेन चीज़ है फायरबेस बिलिंग। फायरबेस बिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग फायरबेस को इसलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इनिशियली फ्री है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ चलती है। लेकिन जैसे ही आप पे लोड आता है, जैसे ही आप रीड काउंट कंप्लीट करते हो या फिर राइट काउंट कंप्लीट करते हो या फिर स्टोरेज यूज़ करते हो या फिर होस्टिंग यूज़ करते हो, जैसे ही आपकी फ्री लिमिट खत्म होती है फायरबेस बिलिंग आपको एक्टिवेट करनी पड़ती है, आपको अपग्रेड करनी पड़ती है। यहाँ तक सारी कहानी सही थी, लेकिन जैसे ही फायरबेस बिलिंग पे आप अपना कार्ड लगाते हो आपको हमेशा एक एरर मिलेगी, दिस कार्ड डज नॉट सपोर्ट रिकरिंग पेमेंट। यानी कि फायरबेस या फिर गूगल का जो प्रोजेक्ट है, जो GCP है, वो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता, वो नेट बैंकिंग एक्सेप्ट नहीं करता, उसको मोस्टली क्रेडिट कार्ड चाहिए या फिर कोई ऐसा कार्ड जिसमें
रिकरिंग पेमेंट हो सके, तो प्लीज़ मेक श्योर आपके पास ऐसे पेमेंट मेथड अवेलेबल है बिफोर आप ये सब चीज़ें प्रोडक्शन पर डालें। यानी कि आपने मानो मार्केटिंग कर दी है, आपने अपनी ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर लाइव कर दिया है, हज़ारों लोगों ने उसे डाउनलोड कर दिया और जैसे ही खुशी का टाइम आने वाला था ऐप डाउन हो गई और आपके पास कोई तरीका ही नहीं है उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, तो प्लीज़ मेक श्योर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर कोई ऐसा पेमेंट मेथड जिस जो उस पर चलता हो। विद दैट बींग सेड, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। एंड डिस्क्रिप्शन मेरा डिस्कॉर्ड एंड स्ट्रीम चैनल है, अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ ज्वाइन करें मेरे स्ट्रीम पे। आप क्वेश्चन पूछे मैं आपको रियल टाइम पे आंसर करता हूँ और अपना गेम भी खेल लेता हूँ। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।